एवरीबॉडी, दिस इज ब्रजेश हियर और आप देख रहे हैं CABA इन्फोवेंट्री। आज हर तरफ इंडस्ट्री में ले ऑफ की बात हो रही है। यदि आप में से कोई इस मुश्किल परिस्थिति में है तो भारत में एक एम्प्लॉय के रूप में आपको अपने लीगल राइट्स को समझना इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ले ऑफ्स एंड टर्मिनेशंस की बात आने पर एम्प्लॉयर्स को कुछ प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। दीज प्रोसीजर्स इंक्लूड नोटिस पीरियड्स, एम्प्लॉयर्स को ले ऑफ या टर्मिनेशन से कम 30 दिन पहले एम्प्लॉय को रिटन नोटिस देना चाहिए। ये आपके राज्य के कानून के आधार पर कम या ज्यादा हो सकते हैं। जैसे कि आप अगर महाराष्ट्र में हैं तो ये 14 डेज है। अब बात करते हैं सीवियरेंस पे की। एम्प्लॉयर्स को उन एम्प्लॉयज को छटनी मुआवजे रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन का भुगतान करना चाहिए जिन्हें ड्यू टू रिडंडेंसी और फॉर अदर रीजंस बियॉन्ड देयर कंट्रोल से टर्मिनेट कर दिया गया है। द कॉम्पनसेशन इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एम्प्लॉयज इयर्स ऑफ सर्विस एंड लास्ट ऑन सैलरी। एक साल या उससे अधिक समय तक काम करने वाले कर्मचारियों को एक माह का वेतन दिया जाना चाहिए। फॉर मास टर्मिनेशन इन प्रोटेक्टेड सेक्टर्स 3 months of wages must be offered to employees. The Industrial Dispute Act of 1972 ये भी बताता है कि retrenched, involuntarily dismissed workmen must be given 15 days of severance pay for each year of service that they have completed. छटनी अनैच्छिक रूप से बर्खास्त कामगारों को सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिनों का सीवियरेंस पे दिया जाना चाहिए जिसे उन्होंने पूरा किया है। अब बात करते हैं प्रायर परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट की। इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस बिफोर लेइंग ऑफ और टर्मिनेटिंग एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन प्रायर परमिशन फ्रॉम द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अथॉरिटी। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, यदि 100 या उससे अधिक कर्मचारी वाले एस्टेब्लिशमेंट को बंद करना है तो एम्प्लॉयर्स को एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अथॉरिटी से प्रायर परमिशन लेनी होगी। यदि कोई एम्प्लॉयर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में आउटलाइन प्रोसीजर को फॉलो करने में फेल रहता है तो एम्प्लॉयर्स फॉर रिलीफ लेबर कोर्ट और द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। एम्प्लॉयज रेलिवेंट एक्ट के अंतर्गत में ऑल्सो बी एंटाइटल्ड टू अदर रेमेडीज जैसे रीइंस्टेटमेंट और कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्गफुल टर्मिनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके मन में अभी भी इस इश्यू पर कोई क्वेश्चन या सवाल आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, हम उसको रिजॉल्व करेंगे।